मैया सदानंद कार्तिकेय जी से कह रही हैं, कार्तिकेय हृदय में बाण नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हृदय में शिव बैठे हुए हैं, भगवान शंकर उसके हृदय में विराजमान है। जब हृदय में शंकर बैठे हैं तो बाण ना लगे। और बहुत सुंदर शिव महापुराण का चरित्र कहता है, संपूर्ण विश्व के अंदर जितने भी मनुष्य निवास करते हैं, मानव रहते हैं, जितने भी मानव संपूर्ण विश्व में निवास कर रहे हैं, सबके भीतर, सबके अंदर ईश्वर का एक प्रतिबिंब है। जिसको बुलाया वो क्यों ना बैठा है, ईश्वर का एक प्रतिबिंब है। सबके भीतर भगवान शंकर विराजमान, सबके भीतर शिव विराजमान। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि किसी के हृदय को घात न लगे, किसी के हृदय को ठेस न पहुंचे। फिर एक बार बोलेंगे, वाणी ऐसी बोलिए, जम के बोला, जम के बोलो जरा, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए। हमारे शब्द से, हमारी वाणी से, हमारे द्वारा, अपने द्वारा किसी को हृदय में, भाव में, कहीं भी किसी को ठेस ना पहुंचे। अपने शब्दों से, अपनी वाणी से, अपने भाव से किसी को ठेस ना पहुंचे। महाराज तारकासुर को मारने के लिए षडानंद कार्तिकेय चले, तारकासुर का संहार किया, हृदय में बाण नहीं छोड़ा, हृदय में बाण नहीं। और तारकासुर का संहार किया। तारकासुर के तीन बेटे थे, तीन पुत्र हैं तारकासुर। और तारकासुर के तीन पुत्र, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष, तीन। और तीनों बड़े विचित्र, कलकत्ता में कल कहा था कि परसों कहा था, परसों के दिन एक बात कही थी, बच्चों को खूब पढ़ाओ, उनकी खूब अच्छी एजुकेशन करा, बच्चों के लिए खूब मेहनत करो, बच्चों को खूब लायक बनाओ। कब बोला था? कल बोला था, परसों बोला था, जम के बोलो, परसों। चलो हम इसलिए पूछते हैं कि आप लोगों को याद है कि नहीं, परसों बोला, बच्चों को खूब पढ़ाओ, जी जान से ज्यादा मेहनत करो, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा पढ़ा, बच्चों को लायक बनाओ। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, बच्चों को इतना भी लायक मत बना देना कि वो अपने माता पिता को नालायक समझने लगे। परसों की कथा में कहा था, बच्चों को इतना भी लायक मत बना देना, संस्कारों से विहीन मत कर देना कि वो अपने माता पिता को नालायक समझने लगे, कि मम्मी तुम चुप रहो, पापा तुम चुप रहो, तुम्हें अकल नहीं है, तुम नहीं बोलो, मम्मी तुम फालतू बात मत करो, माँ तुम चुप रहो, पापा तुम चुप रहो। जो बच्चे अपने माँ बाप को चुप करना चालू कर दें, तो समझ लेना तुमने अपने बच्चों को लायक तो बनाया, पर संस्कारों की कमी ला दी, इसलिए तुम्हें नालायक समझ। संस्कारों की कमी मत आने देना, बच्चों में जितने संस्कार होंगे तो बच्चे तुम्हारा अगर आज आदर कर रहे हैं तो जिंदगी में उन बच्चों का भी आदर होगा, अगर आज आदर कर रहे हैं तो उन बच्चों का जिंदगी में आदर होता चले जाएगा। तारकासुर के तीन बेटे, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष, तीन पुत्र। तीनों ने विचार करा कि मैं
शंकर भगवान के पुत्र ने हमारे पिता को मारा है तो हम इनसे बदला लेंगे, हम इनसे बदला लेंगे। तीनों ने विचार किया। अब शिव कथा कर रही है, तीनों ने ब्रह्मा जी का तप कर और ब्रह्मदेव से तप कर कर उन्होंने वर प्राप्त करा कि हमें वर दीजिए कि हमारे प्राण ना छूटे, हमें ऐसा वर दे दो कि हमारे प्राण ना छूटे, हमें ऐसा वर प्रदान करो कि हमारे प्राण ना जाए। ब्रह्मा जी बोले ये तो कभी नहीं हो सकता कि तुम्हारे प्राण नहीं जाएंगे, मरना तो पड़ेगा, प्राण तो जाएंगे निश्चित है, शरीर तो छूटे, शरीर तो छूटे, ये तो पक्का है कि प्राण जाना, प्राण छूटे। हर तुम कोई और वर मांगो। तारकासुर के तीन बेटों ने तारकाक्ष विदुम्माली कमलाक्ष की ने तीनों ने वर मांगा, अगर वर देना चाहते हो तो हमें ऐसा वर दीजिए कि हम मरे तो तीनों एक साथ मरे। ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु, हम तुम्हें वर प्रदान तथा। अब तीनों बेटों ने अपने अपने अलग अलग महल बना लिए, अलग अलग नगर बसा लिए तीनों ने। और तीनों ने अपने अपने नगर बसाए, तीनों ने अपना अपना महल बनाया, तीन पुरियों का निर्माण कर लिया, तीन पुरियों का निर्माण, तीनों में निवास, तीनों ने उपद्रव मचाना प्रारंभ कर दिया। भगवान शंकर से जाकर देवताओं ने विनती करी कि इन तीनों को मारने के लिए कोई उपाय सोचिए। शंकर भगवान ने कहा तुम 33 कोटि देवता पशु बन जाओ, मैं तुम्हारा पति बन जाता हूँ, और अपन तुम देवता दौड़ते दौड़ते इन तीनों को इकट्ठा करना, मैं इनका संहार कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। सारे देवता मिलकर पशु बन गए और शंकर भगवान उनके पति बन गए। शिव जी का एक नाम होने जा रहा है जिसका व्रत आप करते रहे, कौन सा जम के बोलो जरा, पशुपति। सारे देवता पशु बन गए, शंकर भगवान उनके पति बन गए। पति का मतलब क्या होता है? भरण पोषण करने वाला। पति का मतलब है भरण पोषण करने वाला, पति का मतलब है रक्षा करने वाला। रक्षा के प्रति जागरूक होने वाले बन गए पशु। और शिवजी एक बड़े नंदी का रूप ले लिए, बड़े नंदी का, और जितने देवता थे वो छोटे पशु बनकर भागे। तारका विदुम्माली कमलाक्ष तीनों को इकट्ठा करा, तीनों तीनों को एकत्रित करा। अब तीनों को एकाग्रित करा और जो शंकर भगवान ने तीनों को खदेड़ना प्रारंभ करा, तीनों को मारना प्रारंभ करा, इतनी देर में तारकाक्ष ने नीचे से निकलकर भगवान नंदी के शीश को काट दिया। जो भगवान पशुपति नाथ का शीश कटा वो नेपाल में जाकर गिर गया और डोलेश्वर महादेव पशुपति नाथ के नाम से पूजायमान हो गया। शंकर जी का जो नंदी का धड़ कट कर गिरा वो केदारनाथ जी के रूप में विराजमान। और भगवान देवदेव महादेव ने ये विचार करा कि आज नहीं मरे तो कभी नहीं मरे, अगर इनके प्राण आज नहीं गए तो ये कभी मरने वाले नहीं है। शंकर भगवान अपने असली स्वरूप में आए, उन्होंने त्रिशूल लेकर तीनों को मारने का प्रयास करा। जैसे ही मारने का प्रयास किया विदुम्माली पीछे से निकल गया। जैसे ही विदुम्माली पीछे से निकला तारका कमलाक्ष की को तो भगवान ने मार दिया, विदुम्माली को पीछे से त्रिशूल के भाग से उसके प्राणों को हर लिया। जैसे ही प्राणों को हरा 33 कोटि देवताओं ने गर्जना करी, बोल पशुपतिनाथ भगवान की, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
भगवान शिव का नाम पशुपति। शिव महापुराण में भगवान शंकर की पवित्र कथा में शिव महापुराण के अंदर पाशुपत्य अस्त्र, पशुपति व्रत, पाशुपत्य योग तीनों की गणना करी। पाशुपत्य योग